हेलो फैमिली, स्वागत है किटो ब्लॉग के चैनल पे। और आप सबको पता है फैमिली, किटो मौसी आज मुझसे बोल रही थी ना मैं बियर पीऊंगी, लेकिन मुझे ना जब जो मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई पीता है, लेकिन ना आपको पता है मुझसे कही थी मैं बियर पीऊंगी, लेकिन जो किटो मौसी ने पहले नहीं पीती थी अब पीती है। मैं आप सबको दिखाती हूँ, चलिए फैमिली में आप सबको दिखा रही हूँ। मौसी मैंने आपका ब्लॉग शूट कर लिया। कौन सा ब्लॉग? क्या बियर पी रही हो? आज मेरा मन कर रहा था, आज मैं बियर पी रही हूँ। पियू की? लिख रही है तो नहीं लग रहा है। ये बियर है, ये तो वाइट वाइट लग रहा है, क्या है ये? जो मैं कभी नहीं पी थी वो मैं आज पी के दिखा रही हूँ। तुम्हारा तुम ब्लॉग शूट करो चाहे जो मन करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये क्या क्या हुआ किड्डो मौसी को? ये क्या हो गया है? नशा क्यों चढ़ेगा? इसके पीने से कोई नशा होता है? हदना हो गई, नशा हमको क्यों चढ़ रहा है? क्या ये तो जो दुनिया देख रही है, चाचा तो देख ही लेंगे। चाचा बोलेंगे ये क्या हो गया किट्टो को। और ऋषभ सब इधर मम्मी अपना वीडियो एडिट कर रही है और इधर ऋषभ देख रहा है किट्टो से को क्या हुआ। क्या यार ये तो वाइट लग रहा है, कलर ब्राउन रहता है। क्यों, तुमने कभी पिया है क्या जो तुम्हें पता है ब्राउन रहता है? नहीं। कैसे पता तुमको? तो चाचा पीते थे ना। कब पिए थे चाचा? हम तो मजाक कर रहे हैं। मैरून बदनाम कर रही है लड़की मेरे हस्बैंड को। पगला मेरे साथ तो प्रैंक छोड़ो। नहीं जी, ये तो पानी लग रहा है। ये पानी नहीं, ये जान है, मेरा जान। अरे प्रैंक अकेला तो नहीं कर रही हो? तू छोटी जैसी प्राणी से मैं प्रैंक क्यों करने जाऊँ? अरे यार और दे इसे कुछ छुपाया है। क्या छुपाया? क्या पी आई एन के रुका है ये दिशा। आई लाइक स्प्राइट, यही मेरा बियर है। अरे जो मैं कभी नहीं पीती थी आज फर्स्ट टाइम पी मैं। इसको पीने से मुझे नशा हो गया। बस करो ऋषभ, माजा पसंद था ना गाइस। आप सबको पता है दीदी आई मुझे ऋषभ बुलाने आया कि चल तुमको दीदी तुमको मौसी बुला रही है। अरे मम्मी बुला रही है, बोली कि थर्ड में तुम्हारा जो गैस होता है वो सही हो जाएगा। नेवी ब्लू या नेवी की भाई ब्लू खाली कर दो। नेवी ब्लू डालो। नेवी ब्लू किसे? या नेवी की भाई एन ए ए ब्लू किसे? यहाँ पे दीदी हम कभी नहीं पी, हम कैसे पियेंगे? पियो पियो। और सोनाक्षी दर्द क्या नाम है टीवी देख रही थी। और भाई ये हम कहीं जाओ ना सोनाक्षी के पर हम लोग थोड़ा सा मजाक करते हैं। ऋषभ क्या बुला के लाया और हम कहीं सोनाक्षी देखो आज हम बियर पी रहे हैं। और ये बोली कि हाथ देखते सर सोनाक्षी को प्रेम करते। सोनाक्षी गई हम शूट करने नहीं पड़ते, शूट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहे चलो आज कभी टेस्ट नहीं की जो कभी नहीं पीता पहले। ये तो स्प्राइट है लेकिन माजा पसंद था ना, तो इतनी मम्मी बोली थी जबरदस्ती थी ये मेरे किसी नशे के सामान है। देख देख खार भी आ रहा है। ये जो भी था मेरा हम लोगों का ऐसे प्रैंक, लेकिन इसमें शो हमको कोई शूट करने कह रहा था लेकिन सोनाक्षी बोली डायरी शूट करेंगे लोगों को दिखाएंगे हम के जब शूट कर लो। यही मेरा था सर सोनाक्षी के साथ मजाक था। टूट गई सोनाक्षी मेरे को बन गई। ऐसे मादक ये हम कभी नहीं पिए थे। अरे ना पी गई थी तू? अरे यार ये नशा चल रहा है नहीं पियेंगे हम लोग ऐसे ही दिखा रहे हैं। मेरा मन भर गया।
तो गाइस देख सकते हैं आप, ये लोग अब क्या नाम है कोल्ड ड्रिंक का पार्टी चल रहा है और ये चोरी चोरी उधर कोने में बैठ के पी रहा है। उधर सोनाक्षी सोनाक्षी बेवकूफ बन गई कि हम बियर पी रहे हैं। अब अंधा जी का तो घटक 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 मार रही है। पापा को भी दे। सो गाइस नेक्स्ट डे आ गया है और दोपहर का टाइम हो गया है। तो आज एकादशी है और दीदी के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। आज एकादशी है तो आज के दिन चावल नहीं पड़ता है, तो हम लोग कंफ्यूज में है कि ऐसा क्या चीज बनाए कि हम सारे लोग खा रहे हैं। तो मैं सोची कि यार हम लोग दलफरा बना लेते हैं। तो दलफरा बहुत सारे लोग उसको फरा बोलते, बहुत सारे लोग दलफरा बोलते। तो मैं सोच रही थी कि मैं दाल डाल देती हूँ, फरा वंदा जी बना के डाल देंगी। और ऋषभ ये देखिए दीदी ने न्यू लिया है और ऋषभ ने ये फाड़ कर एक कर दिया है। तो सोनाक्षी अपने पापा से कंप्लेन कर रही है और ऋषभ बहुत ही सैड हो गया है कि हमारे कंप्लेन सारी जगह दर्ज हो रहे हैं। ऋषभ को इस घर से निकाला जाए, है ना सोनाक्षी? क्योंकि ऋषभ बहुत ज्यादा गंदा होता जा रहा है, किसी की बात नहीं मानता है। तो जा रहे हैं, दाल डालेंगे, फिर उसके बाद फरा मम्मी आपकी दाल से बना देंगे। जब बनेगा तो फरा जान जाना क्या होता है। हाँ वही वाला ऋषभ खाओगे ना? ऋषभ को बस खाली कचौड़ी दे दो और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। रेट है वो दाल चावल और दाल चावल भी। सो गाइस हम चलते हैं किचन में। हमारे यहाँ कबूतर ने हम लोग की जिंदगी एकदम बर्बाद करके रख दिया है। अगर आप दरवाजा किचन का खोल दो ना तो पूरा ये जो डब्बे वगैरह है सब नीचे गिरा देते हैं और इतना डिस्टर्ब कर देते हैं माइंड में कि बता नहीं सकते। सब उठाना पड़ता है और यहाँ ये वाशिंग जो एसी का ये है मशीन, मतलब कि हवा मतलब कि बाहर उसका जो एयर होता है निकलने के लिए, तो इस पे आकर के बैठ के लोए लोग छत बना दिए हैं और इसपे इतना गंदगी मचा रखे हैं कि बता नहीं सकते हैं। इतना भगाते हैं और जो कूलर है कूलर के पास भी आके लड़ते रहते हैं, जैसा लग रहा है कि वो लोग भाई बहन हो गए। सो गाइस हम चलते हैं अब फरा दाल फरा की तैयारी करने, फिर मिलते हैं आप सबसे कुछ देर में। सो गाइस हमने ये देख सकते हैं कि हमने फरा की तैयारी कर ली है, दाल डाल दिया है। अब इसके बाद आटा गुथा जाएगा, फिर उसका ऐसे गोला गोला करके बनेगा, फिर बन जाएगा फरा। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं अब किट्टो बसी दाल मतलब मम्मी मतलब वो फर मतलब जो दाल फरा होता है वो उसमें बना रही है रोटी का। और किट्टो बसी क्या रोटी का कि आटा है? हाँ आटा का। क्या बना रही हो? अब इसके छौकने की तैयारी कर रहे हैं। छौकने की प्याज लहसुन मिर्ची क्यों काटी हो? प्याज लहसुन जाओ मिर्चा और लेकर आओ। मिर्ची में ला रही। तो हमारा फरा कुछ इस तरह का हो गया है और दीदी ने डाल दिया है फरा। ये फरा है आटे का है, दाल डाल के फिर उसके बाद हमने ये लहसुन मिर्चा और जीरा हींग से इसका छौंक लगाएंगे। किस किस को ऐसे फरा पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो गाइस बन गया है तो अब सब लोग खा रहे हैं। और सोनाक्षी कैसा बना है फरा? वंदना दीदी जी बताइए। टेस्टी बना है। टेस्टी बना है। और हमारा सीरियल चल रहा है, मैं यहाँ बैठ के खा रही हूँ, जगह नहीं है मतलब इधर अब बैठ के खाती तो मेरे हमारे घर बहुत जगह तो नहीं है। और मेरा पंखा सीधे चल रहा है, बहुत गर्म गर्म है तो इसलिए ठंडा कर रहे हैं, सब लोग ठंडा करने बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का ब्लॉग। अगर आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो क्या हुआ चाचा, हम एक ही है ना, बस फेंकने भी रखा तो फेंकने वाला चीज हम ही पहनते हैं। बाय बाय।